भारतीय राजनीति को शनिवार के दिन एक तगड़ा झटका लग गया जब मशहूर नेता शीला दीक्षित के निधन की खबर सामने आई। अचानक उनको दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। अस्पताल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद से दुख की घड़ी में कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी थी। रविवार को दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी दौरान हर कांग्रेसी राहुल गांधी को तलाश रहा था, लेकिन राहुल गांधी तो कहीं और ही थे। शीला दीक्षित कांग्रेस की दिग्गज नेता थी। उनका राजनीति में कद इतना बड़ा था कि सिर्फ उनकी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के नेता भी उनको पसंद करते थे। उनके निधन की खबर सुनकर कांग्रेस के साथ ही भाजपा में भी शोक की लहर दौड़ गई थी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ने उनकी आत्मा के शांति के लिए ट्वीट किया था। शीला दीक्षित का रविवार को दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया था। इसी दौरान सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थीं। वहीं बड़े नेता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे। हालांकि हर कांग्रेसी राहुल गांधी को भी तलाश रहा था, लेकिन वो नहीं पहुंचे क्योंकि राहुल गांधी तो भारत में थे ही नहीं। जी हाँ, राहुल गांधी इस समय अमेरिका में हैं और 22-23 जुलाई को ही भारत वापस आने वाले हैं। इसी वजह से वो अंतिम संस्कार का हिस्सा नहीं बन सके। उन्होंने जो शोक संदेश भेजा था वो भी अमेरिका से ही भेजा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को अंतिम संस्कार में आना चाहिए था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।